सनसनी ऑफ इंडिया। दक्षिण पूर्व जिले की एंटी नाकोटिक स्क्वायर टीम ने एक ऐसे 8वीं पास हैबिचुअली मोबाइल स्नैचर को दबोचा है जो पैदल चलने वालों से मोबाइल फोन छीनता था। पकड़े जाने पर सुधरने की बजाय जमानत पर बाहर आकर फिर से मोबाइल स्नैचिंग करने लगता था। आरोपी की पहचान ईस्ट ऑफ कैलाश निवासी 22 वर्षीय गौरव के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से 7 मोबाइल फोन और एक चोरी की कार बरामद की गई है। इसकी गिरफ्तारी से 8 मामले सुलझ गए हैं। इसकी लंबी क्राइम हिस्ट्री है, यह पहले भी स्नैचिंग और चोरी के 10 मामलों में शामिल है। दक्षिण पूर्व जिले में मोबाइल स्नैचिंग करने वाले एक स्नैचर ने आतंक मचा रखा था। यह स्नैचर राह चलते लोगों खासतौर पर महिलाओं को टारगेट करके मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। दक्षिण पूर्व जिले की DCP ऐशा पांडे ने ऑपरेशन संरक्षण के तहत दक्षिण पूर्व जिले में मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों पर अंकुश लगाने और आरोपियों को जल्द से जल्द दबोचने का काम मनोज सिन्हा ACP ऑपरेशन की देखरेख व राकेश शर्मा इंस्पेक्टर एंटी नाकोटिक स्क्वायर दक्षिण पूर्व जिले के नेतृत्व में SI अमित ग्रेवाल, हेड कांस्टेबल महेंदा, सुखबीर, सुबोध, कांस्टेबल पंकज व हिमांशु की एक टीम को सौंपा। दक्षिण पूर्व जिले की DCP ऐशा पांडे का ऑपरेशन संरक्षण के तहत अपने जिले में क्रिमिनलों को क्लियर व कड़ा मैसेज है कि क्राइम छोटा हो या बड़ा, क्रिमिनलों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्रिमिनल अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दे कि अपराध करके वो बच जाएंगे। क्राइम को अंजाम देने वाले क्रिमिनल के साथ साथ क्राइम में क्रिमिनल की मदद करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। टास्क मिलते ही इंस्पेक्टर राकेश शर्मा की टीम ने सबसे पहले सनलाइट कॉलोनी, कालिंदी कुंज, गोविंदपुरी, बदरपुर, अमर कॉलोनी, ओखला पुल, प्रहलादपुर, तुगलकाबाद व सरिता विहार में सक्रिय मोबाइल चोरों के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर उन पर निगरानी शुरू की और साथ ही मुखबिरों का जाल बिछा दिया। एंटी नाकोटिक स्क्वायर की एक टीम दक्षिण पूर्व जिले से चोरी हुए मोबाइलों की IMEI नंबर को सर्विलांस पर लगाकर नजर रखने लगी। SI अमित ग्रेवाल ने दक्षिण पूर्व जिले में जिस जिस जगहों से मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें हुई थी उन जगहों के CCTV कैमरे खंगाले। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा को मुखबिर से टिप मिली कि ईस्ट ऑफ कैलाश निवासी गौरव एक हैबिचुअल मोबाइल स्नैचर है और आजकल कोई काम धंधा भी नहीं कर रहा, लेकिन पुराने फोन वो भी बिना बिल के चोरी छुपे बेच रहा है। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा के कहने पर मुखबिर ने गौरव से संपर्क कर पुराना मोबाइल खरीदने की इच्छा जाहिर की। गौरव ने पुलिस के मुखबिर को एक मोबाइल दिखाया, लेकिन मुखबिर ने गौरव को कोई दूसरा मोबाइल दिखाने को कहा। गौरव ने मुखबिर से कहा कि उसके पास तो अभी यही है, अगर कुछ और मोबाइल देखने हैं तो कल आश्रम चौक पर मिल जाना, मेरे पास कुछ मोबाइल है जिनको मैं आश्रम चौक पर अपने किसी जानकार को बेचने जाऊंगा, उसमें से पसंद कर लेना। मुखबिर की सूचना पर दिनांक 13 जून को इंस्पेक्टर राकेश शर्मा की टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पर आश्रम चौक पर जाल बिछाया। कुछ देर बाद टीम ने देखा कि बदरपुर की ओर से एक इको कार आ रही थी। मुखबिर ने उस कार की ओर इशारा किया। मुखबिर के इशारा करने पर टीम ने कार को रोका और चालक को पकड़ लिया। सिपनेट पर चेक करने पर कार थाना अमर कॉलोनी के इलाके से चोरी हुई मिली। आरोपी की सरसरी तलाशी लेने पर उसके पास से 7 मोबाइल फोन बरामद हुए। बरामद मोबाइल के मालिकाना हक के बारे में पूछने पर आरोपी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पूछताछ करने पर आरोपी की पहचान ईस्ट ऑफ कैलाश निवासी 22 वर्षीय गौरव पुत्र महेश के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान गौरव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी के कब्जे से 7 मोबाइल फोन और एक चोरी की कार बरामद की गई है। इसकी गिरफ्तारी से 8 मामले सुलझ गए हैं। टेक्निकल सर्विलांस के बाद बरामद मोबाइल फोन थाना सनलाइट कॉलोनी, कालिंदी कुंज, गोविंदपुरी और बदरपुर के इलाके से छीने हुए मिले। लगातार पूछताछ करने पर आरोपी गौरव ने बताया कि उसने 8वीं तक पढ़ाई की है। वो शराब और ड्रग्स का आदी है। खाने कमाने के लिए उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अपनी शराब और ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए क्राइम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसने खुलासा किया कि वो अपने सहयोगियों के साथ दक्षिण पूर्व जिले के क्षेत्र में पैदल चलने वालों से मोबाइल फोन छीनता था। वो हाल ही में थाना लाजपत नगर में स्नैचिंग के एक मामले में जमानत पर छूटा था। वो पहले भी स्नैचिंग और चोरी के 10 मामलों में शामिल है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। हरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द।
कहीं आत्महत्या, तो कहीं हत्या, कहीं साजिश, तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।